हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुकजीत और फैमिली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा का चिवड़ा। तो एक तो वाइट पोहा लेंगे और दूसरा हम मकई का पोहा लेंगे। मकई हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, फायदेकारक होती है। तो इस तरीके का चिवड़ा आप ज़रूर घर पर बना के रखिएगा। आप मेरे वीडियो में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से ये चिवड़ा बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटा बन के रेडी होता है। और महीने डेढ़ महीने तक आप इस चिवड़ा को स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने पतले वाले पोहा ले लिए 500 ग्राम वाइट वाले, और ये मकई के पोहा है, देखिए कॉर्न, आप कॉर्न पोहा भी बोल सकते हो इसको। तो ये भी 500 ग्राम है, देखिए। तो ये पोहा भी हमने ले लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये चिवड़ा, बहुत ही चटपटा लगता है। और यहाँ पर हमने 200 ग्राम लिया है मूंगफली पीनट, देखिए आप कम ज़्यादा ले सकते हो। हमने यहाँ पर 200 ग्राम ले लिया है, और 100 ग्राम हमने यहाँ पर काजू ले लिया है। काजू भी आप ज़्यादा कम कर सकते हो। आप चाहे तो काला ग्रेप्स आता है ना सूखा, वो भी ऐड कर सकते हो। सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। और भुना हुआ चना भी ऐड कर सकते हो आप चाहे तो इसके अंदर। और यहाँ पर हमने ये मसाला बना लिया है, तो आप चाहेंगे तो ये चिवड़ा का मसाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स यही है, ये मसाला, इसे ही हमारा जो चिवड़ा है चटपटा बनेगा, टेस्टी बनेगा, स्वादिष्ट बनता है। तो घर पर ये बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से ये मसाला रेडी होता है। रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, और इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ऐड करके इसको इस तरीके से चिटनी पाउडर ऐड करके बनाया हुआ है ये मसाला, चटपटा मसाला। घर पर बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारा बना के रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने करी पत्ता ले लिया है, 20 से 25 करी पत्ता ले लिया है फ्रेंड्स हमने। आप कम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो करी पत्ते भी। और यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ले ली है, ग्रीन चिली, तो ये भी 5-6 हमने ले लिए, ये भी आप कम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। तो देखिए हम इस तरीके से बैग में से निकाल लिया है पोहा को, और यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ये मकई का पोहा। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आप अपने घर में यूज़ करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल में डालते ही हमारा पोहा जो है अच्छे से फूल के निकल आया है। हमारा ऑयल एकदम अच्छे से अच्छा खासा गर्म होता है, तभी ये पोहा हमारा जल्दी से फूलता है। अगर ठंडे ऑयल में ऐड कर देंगे तो आपके पोहा दब जाएंगे, बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं और कड़क हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ऑयल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, एकदम इतना भी गर्म ना करें कि डालते टाइम ही जल जाए, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर गर्म होना चाहिए कि ये चिवड़ा डाले तो अपने आप ऊपर आ जाए तुरंत ही फूल के, देखिए। और ये झटपट बन जाता है ये चिवड़ा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जब भी आप फ्री टाइम बैठे हो तो ये चिवड़ा बना के रख दीजिए, और जब भी चटपटा खाने का मन करे तो इस तरीके का चिवड़ा ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इस चिवड़ा का। तो देखिए इस तरीके से सारा चिवड़ा हम फ्राई करके रख देंगे, और मकई का पोहा हमने फ्राई किया है ऑयल के अंदर, लेकिन हमें इसको फ्राई नहीं करना है, इसको हमें ओनली क्रिस्पी करना है। कढ़ाई के अंदर का जो ऑयल था वो हमने निकाल लिया है, और इसको हम विदाउट ऑयल के बिना ही पकाएंगे, इसको क्रिस्पी करेंगे। तो गैस की फ्लेम को अभी हमने जलाया नहीं है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कढ़ाई गर्म थी। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और मीडियम गैस के ऊपर हमें इसको पोहा को हल्के हाथों से पकाना है, क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि ये पोहा एकदम पतले है और इसको हाथ की अगर दबाएंगे चम्मच की सहायता से तो ये टूट जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पोहा को एकदम क्रिस्पी करेंगे, देखिए। तो पास में एक बाउल पड़ा है, इसके अंदर ही पोहा डाला है मैंने, फेंका नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे और इसको क्रिस्पी कर लेंगे पोहा को, और एक खुले बर्तन में निकाल लेना है पोहा को, और दूसरे पोहा को भी मैं इसी तरीके से क्रिस्पी कर लूँगी। और ख्याल रखें कि आपके पोहा जो है नीचे चिपक ना जाए कढ़ाई में, अगर चिपक जाता है तो जलने की बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है, तो ये चिपकने नहीं चाहिए, टेस्ट बिगड़ जाता है चिवड़ा का। तो जितना हो पाए इतना इसको चलाते रहे, हल्के हाथों से चलाते रहे, और अपने आप ये सिकुड़ते जाएंगे और अपने आप ये
कड़क हो जाएंगे। देखिए बहुत ही क्रिस्पी करारी चिवड़ा बनके रेडी हुआ है, और भी थोड़ा सा पकाने के बाद इसको भी अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स चिवड़ा हमारा अच्छे से भुन के रेडी कर लिया है, और अभी चिवड़ा बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है आप देखते जाइएगा। यहाँ पर हमने 5 से 6 चम्मच ऑयल ले लिया है, ऑयल थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया है क्योंकि चिवड़ा हमारा ज़्यादा बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच सरसों ऐड करते ना, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है चिवड़ा में, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप सोचेंगे कि चिवड़ा के अंदर सरसों, तो जी हाँ फ्रेंड्स चिवड़ा के अंदर सरसों ज़रूर ऐड कीजिए। अब सरसों अच्छे से ऊपर आ चुका था, तो अभी हमने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड की है टुकड़े करके, बड़े बड़े, आप चाहे तो छोटे टुकड़े भी काट सकते हो। और अभी हमने करी पत्ता भी ऐड कर लिया, इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है फ्रेंड्स, ताकि चिवड़ा हमारा नरम ना हो जाए, मॉइस्चर रह जाएगा नहीं तो। इसीलिए मिर्ची और करी पत्ता को दोनों को अच्छे से क्रिस्पी हो जाने के बाद इसके अंदर पीनट और काजू भी ऐड कर लिया है, इसको भी हमें अच्छे से पका लेना है। आपके पास अगर कोकोनट है सूखा वाला तो वो ऐड कर सकते हो, काला किशमिश है तो वो भी ऐड कर सकते हो, भुना हुआ चना है तो वो भी इसी तरीके से रोस्ट करके डाल सकते हो। तो सब अच्छे से पक चुका है, अभी हम ऐड करेंगे हल्दी। 3 से 4 चम्मच हमने हल्दी ऐड किए छोटे वाले चम्मच से। देखिए हल्दी से क्या होता है ना, कलरफुल बनता है, एकदम येलो कलर अच्छा वाला आ जाता है। तो रेड चिली ऑलरेडी हमने मसाले के अंदर ऐड की हुई है, जो चिवड़ा का मसाला बनाया है ना इसके अंदर रेड चिली ऐड की हुई है, इसीलिए हमने अभी नहीं ऐड किया था। तो देखिए ये चिवड़ा जो हमने पोहा का बनाया था ना, वो इसके अंदर बड़े भगोने में हमने डाल दिया है। बड़े भगोने में क्यों डाला है, ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए चिवड़ा के अंदर। ज़्यादा चिवड़ा है हमारा तो छोटे बर्तन में अगर डालेंगे तो बहुत वेस्ट जाता है, बाहर गिरता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर मसाला ऐड करते जाएंगे, देखिए इसी तरीके से, देखिए ताकि अच्छे से पूरे चिवड़ा के ऊपर अच्छे से चिपक जाए हमारा मसाला। इस मसाले से सच में फ्रेंड्स बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है चिवड़ा का। आप इस तरीके से मसाला ज़रूर मिक्स करके रखें। आप अगर हल्दी अलग डालेंगे, लाल मिर्च अलग डालेंगे, चाट मसाला अलग डालेंगे, काला नमक अलग डालेंगे तो वो टेस्ट बिगड़ जाता है, अलग अलग चिपकता है। लेकिन आप मसाला जब एक साथ मिक्स करेंगे ना, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक और स्वीट चीनी पाउडर चीनी, तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है तो स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है। ये देखिए हमने ये सारा जो मसाला रेडी करा था चिवड़ा के लिए वो भी ऐड करेंगे, और इसे हम अभी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी बना है ये हमारा चिवड़ा, तो इसको आसानी से, एकदम आसानी से चलाना है। अगर कुछ चटपट करेंगे तो चिवड़ा फट सकता है, टूट सकता है वो। तो देखिए हल्के हाथों से हमें इसी तरीके से मिक्स करते जाना है भगोने से, क्योंकि अगर चम्मच की सहायता से हिलाते ना तो टूट सकता है हमारा चिवड़ा। बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, करारा बना हुआ है, खस्ता एकदम। तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, और गरम गरम चिवड़ा कभी भी एयरटाइट डब्बे में ना भरे, हमेशा चिवड़ा को ठंडा करके एयरटाइट डब्बे में रखना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर होता है तो ख़राब हो सकता है हमारा चिवड़ा, नरम हो सकता है। तो आपको इसको लंबे टाइम तक टिकाने के लिए इसको एयरटाइट डब्बे में ठंडा करके भरना बहुत ही ज़रूरी है चिवड़ा को। देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी हमारा चिवड़ा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। कभी भी इस चिवड़ा को ठंडा करके बाद में एयरटाइट डब्बे में भरना चाहिए। देखिए क्रिस्पी करारी हमारा चिवड़ा बन के रेडी हो चुका है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।